नमस्कार। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि मांग फलन एक दे दिया जाता है, एक उपभोक्ता का मांग फलन, और कीमत वस्तु की कीमत दे दी जाती है, और फिर मांग की लोच और वस्तु की प्रकृति और जो मांग मात्रा है उसके आकलन का प्रश्न उठता है कि उसका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अज्ञात तत्व जो उसमें होते हैं, मांग की मात्रा, मांग की लोच। तो हम जानते हैं कि मांग की लोच वस्तु की कीमत परिवर्तन का प्रभाव बताती है, स्पष्ट करती है। मांग की लोच का जो सूत्र है, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो हमारा जो मांग फलन है क्यू बराबर 40 माइनस 4P माइनस P स्क्वायर, ये हमारा मांग फलन है। और कीमत दी गई है 3 रुपए, और ज्ञात में करना है मांग की लोच। इस मांग फलन में यदि हम P का मान 3 रख दें तो वस्तु की मात्रा जो है वो ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले वस्तु की मात्रा Q बराबर 40 माइनस 4 P का मान 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 40 माइनस 12 और 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 40 माइनस 21 बराबर 19। तो वस्तु की मात्रा हो गई 19। मांग की लोच का जो सूत्र है, मांग की लोच का फार्मूला है E बराबर ऋणात्मक DQ अपान DP इंटू P अपान Q। अब इसमें हमारे पास P है, Q है और ये अज्ञात है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यदि हम मांग फलन का P के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर लें, अवकलन कर लें, तो हमें DQ अपान DP का मान ज्ञात हो जाएगा। मांग फलन का, मांग फलन का अवकलन करने का DQ अपॉन DP, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 4 और ये हो जाएगा 2P। अब इसमें P का मान रखते हैं, P बराबर चूंकि ज्ञात है, P बराबर 3, तो ये हो गया आपका DQ अपॉन DP माइनस 4 माइनस 2 और ब्रैकेट में 3, तो इस प्रकार से हो गया माइनस 4 और ये हो गया माइनस 6, तो DP अपॉन DQ का मान हो गया माइनस 10। DQ अपॉन DP बराबर हो गया माइनस 10। अब ये मान और P बराबर 3 और Q बराबर 19 यदि हम मांग की लोच के सूत्र में रख देंगे तो हमें मांग की लोच ज्ञात हो जाएगी। लिख लो इसमें मांग की लोच के लिए E बराबर माइनस DQ अपॉन DP इंटू P अपॉन Q। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दें,
माइनस माइनस 10 इंटू पी का मान 3 और क्यू का मान 19। माइनस माइनस प्लस 10 गुणा 3 बटे 19, ये हो गया 30 बटे 19। ई बराबर इसका मान हो गया 1.5 और 7। ये जो वस्तु है इसकी मान की लोच जो है वो इकाई से अधिक है, इसका इंटरप्रिटेशन इकाई से अधिक। और हम जानते हैं कि जो वस्तुएं जिस वस्तु की मान की लोच इकाई से अधिक होती है वो अत्यधिक लोचदार वस्तु होती है, अर्थात ये जो वस्तु है जिसकी मात्रा 19 खरीदी जा रही है ये विलासिता की वस्तु है, जिस पर कीमत परिवर्तन से अधिक मांग परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो वस्तु है ये विलासिता की वस्तु। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मांग की लोच इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। धन्यवाद।